नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग की ओर से 2022-23 बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को लेकर मंगलवार को भागलपुर पुलिस लाइन में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर से सराहनीय कार्य को लेकर DIG विवेकानंद ने 38 पुलिस अधिकारियों के बीच 43 पुरस्कार का वितरण किया। इस दौरान उप महानिरीक्षक पूर्वी प्रक्षेत्र विवेकानंद ने सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार के रूप में नगद राशि भी देकर उत्साहवर्धन किया। वहीं समारोह में बांका SP सत्यप्रकाश, नवगछिया SP शांत कुमार सरोज के अलावा भागलपुर रेंज के कई DSP और थाना प्रभारियों के साथ पुलिस कर्मियों को भी DIG ने पुरस्कृत किया। इधर DIG विवेकानंद ने सभी लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटे गए सामानों की बरामदगी करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया, जबकि इस दौरान कई संवेदनशील मामलों के उद्भेदन की भी जानकारी दी गई। DIG ने कहा कि आने वाले वर्षों में और बेहतर कार्य करने वाले सभी पुलिस अधिकारी और कर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए सभी को पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करने एवं जनता के भरोसे को पूरा करने की जरूरत है। सम्मान का अवसर है कि इन तीनों जिलों से जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया, हमारे जिन पदाधिकारियों ने अच्छा काम किया और उनके काम के कारण न सिर्फ कांडों का उद्भेदन हुआ, अपराधी पकड़े गए, बल्कि हमें जनता के बीच विश्वास हासिल करने में भी सफलता मिली। आज वैसे सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह अनुशंसा पिछले वर्ष सभी पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हुई थी और इस अनुशंसा को पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी मान्यता मिली और आपके अच्छे काम की सराहना पूरे बिहार में हो रही है और इसके लिए आप सभी बधाई का पात्र हैं। भागलपुर के TOP बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत खुठा पुल के समीप मंगलवार की अहले सुबह हुए सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही परिजन TOP थाना पहुंचे और मृतक नीतीश कुमार की हत्या करने का आरोप अपने ही भतीजे पर लगाया। वहीं मृतक युवक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गाँव निवासी कुनकुन यादव के 18 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नीतीश देर रात पड़ोसी के मोटरसाइकिल से किसी काम के लिए बाहर निकला था, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं थी, जबकि सुबह होते ही उसके मौत की खबर मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। इधर घटना को लेकर मृतक के पिता कुनकुन यादव ने बताया कि हर रोज भतीजे के साथ नीतीश बालू का कारोबार करता था और सोमवार की देर रात नीतीश को फोन कर बुलाया गया था, लेकिन सुबह सड़क हादसे में उसके मौत की खबर मिली। वहीं मृतक नीतीश की माँ ने अपने बेटे की हत्या शराब पिलाकर करने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को जब्त कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुछ नहीं केले बोला रात दिन वही बोला जखनी जाइलो अखनी बोला खोरा यानी ले ले घरो कहीं ले लो बच्चा मोटरसाइकिल के करो रे ओकरे भाती जाय छी की करे छले मेरे तक नीतीश की करे रे पढ़ाई छले जो बोला करे क्या नाम था ककरो जो बुलाता था बार-बार क्या नाम शिशु नाम छोरो क्या लगता है सड़क हादसा या फिर अब हम के लिए खींच के देखो दौड़ा हो। कुछ दिन पूर्व बिहार की राजधानी पटना रेलवे स्टेशन पर लगे TV स्क्रीन पर अचानक पोर्न वीडियो चल जाने और इसका वीडियो लोगों द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देने के कारण रेल प्रशासन और एजेंसी की खूब किरकिरी हुई थी। इसके बाद इस मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। वहीं इसी तरह का मामला सोमवार की रात भागलपुर स्टेशन चौक के समीप डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष लगी डिस्प्ले पर दिखाई दिया। दरअसल सोमवार की रात 10 बजे के करीब अम्बेडकर चौराहा पर लगे डिस्प्ले पर अचानक पोर्न मैसेज चलने लगा, जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग कर डिस्प्ले पर संदेश चलता दिखा। वहीं इस पर नजर पड़ते ही वहां मौजूद और आसपास के लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और देखते ही यह वीडियो वायरल हो गया। इधर इसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एक्शन में आई और आनंद फानन में सदर SDO धनंजय कुमार, CT DSP अजय कुमार चौधरी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर लगे स्क्रीन पर अभद्र भाषा में व्यवसाय
स्क्रोल चलने लगा जो काफ़ी देर तक चलता रहा। इसके बाद इसकी जानकारी लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं इसको लेकर दलबल के साथ स्टेशन चौक पहुंचे सदर एसडीओ धनंजय कुमार और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर लगे टीवी स्क्रीन को खोला गया। इसके बाद अधिकारी स्क्रीन को अपने साथ ले गए। इधर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि टेक्नीशियन को बुलाकर इसकी जांच कराई जाएगी और इस तरह की हरकत के लिए जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर पोर्न मैसेज या वीडियो चलने की घटना से लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, जबकि इस तरह की सभी डिजिटल स्क्रीन पर चलने वाले वीडियो या मैसेज पर ना सिर्फ संबंधित एजेंसी को बल्कि प्रशासन के स्तर से भी निगरानी करने की जरूरत है, जिससे आगे इस तरह की किरकिरी से बचा जा सके। बता दें कि भागलपुर में सड़क हादसा के प्रति लोगों को जागरूक करने और सामाजिक संदेश लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से डिस्प्ले बोर्ड का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अचानक हुए इस घटना के बाद संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार सिंह ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इधर कोतवाली इंस्पेक्टर जवाहर प्रसाद यादव ने कहा कि स्टेशन चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, जिससे ऐसा करने वालों का पता चल सके। हाँ देखा, फिर मैं यहाँ पे सर थे कमांडो वाले, हमने उनको आके बताया, फिर वो सर जाके वहाँ पे बंद किए, फिर वही काफ़ी 5 या 10 मिनट तक चला था कुछ ऐसे ही। हम वहाँ होटल के सामने कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, जबकि बात है ये 1.5 घंटा हो गया पहले ही। भागलपुर समाहरणालय मुख्य द्वार के समीप मंगलवार को श्री रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें मंच की ओर से सरकार और प्रशासन से रामनवमी के दौरान षड्यंत्र के तहत की गई हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्री रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हिंसा से संविधान और लोकतंत्र के प्रति विश्वास पर आघात हुआ है और उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा सत्यापित भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में विभिन्न जगहों पर रामनवमी शोभा यात्रा के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को सरकार और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर शोभा यात्रा निकाली, उन्हीं के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कहा कि राज्य की मशीनरी से पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर श्री रामनवमी शोभा यात्रा सुरक्षा मंच की ओर से बिहार के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने, उपद्रव करने वाले एवं इसके लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर सजा देने के अलावा पीड़ित पक्ष को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले को राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की गुहार लगाई गई है। इस दौरान धरना पर बैठे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, विद्या भारती, सेवा भारती और ग्राहक सेवा पंचायत समेत कई संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर प्रखंड परिसर स्थित ट्राइसम भवन में मंगलवार को अग्निशमन की टीम के द्वारा लोगों को आग से बचने के लिए कई सुझाव दिए गए। दरअसल जिला प्रशासन के द्वारा अग्नि सुरक्षा रथ के माध्यम से लोगों को आगजनी की घटना से बचने और सावधानी को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग स्थिति में लगने वाले आग और इससे बचने के उपायों के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं इसको लेकर अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने घर में खाना बनाने के दौरान या किसी अन्य प्रकार से आग लग जाने के बाद उस पर काबू करने के बारे में जानकारी दी। साथ ही आग से बचने के लिए कई तरह के उपाय और सावधानियों के बारे में लोगों को बताया गया। इसके अलावा अग्निशमन टीम के सदस्यों ने भीषण आग लग जाने पर इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड टीम को देने की बात कही, जिससे आग से ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। मौके पर महेश कुमार, प्रिंस कुमार सहित अग्निशमन की टीम के कई सदस्य और काफी संख्या में लोग मौजूद थे। और फायर के बारे में जानकारी दिए, अगर आग लग जाती है तो उसे कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में बताया गया। आग चार प्रकार के होते हैं, ए क्लास की आग, बी क्लास की आग, सी क्लास की आग और डी क्लास की आग। ए क्लास की आग में कौन कौन सी आग आती है उसके बारे में जानकारी दिया गया। ए क्लास की आग में नॉर्मली आग आता है, जो खरपतवार पुआल टाइप के जितने प्रकार के आग होते हैं वो ए क्लास की आग में आ जाती है। बी क्लास की आग में तेली आग आती है और सी क्लास की आग में सीएनजी और एलपीजी आते हैं और डी क्लास की आग में शॉर्ट सर्किट से जितनी भी आग लगती है वो क्या है डी क्लास की आग में आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।